भागलपुर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत कई कार्य योजनाएं चल रही है, जिसमें सैंडिस कंपाउंड का सौंदर्यकरण मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। सैंडिस कंपाउंड में स्टेशन, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, कैफेटेरिया, पानी की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए पार्क से लेकर कई मूलभूत सुविधाओं पर किस तरह कार्य किया गया है उसका निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर अमरेश्वर चौधरी ने किया। इसे और बेहतर किस तरह बनाया जाए इसकी योजना पर कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर आज निरीक्षण किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि भागलपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात है, जिसमें सौंदर्यकरण के साथ साथ सैंडिस कंपाउंड मूलभूत सुविधाओं से भी लैस होगा। इस कंपाउंड का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, और देख रहे हैं क्या क्या एवेन्यूज और डेवलप कर सकते हैं, और इस सैंडिस कंपाउंड को इस भागलपुर के लोगों के लिए और हम लोग कितना बेहतर बना सकते हैं, इसी की अभी निरीक्षण कर रहे हैं, फिर समीक्षा करेंगे और डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके इसको हम लोग बेहतर बनाएंगे। इसमें आम लोगों के भी जो सुझाव होंगे हम उसको भी प्राप्त करेंगे कि उन लोगों का क्या सुझाव है, एक सप्ताह का समय देंगे और फिर सभी को इनकॉर्पोरेट करके और बेहतर तरीके से इसको डेवलप करेंगे ताकि काफ़ी खूबसूरत हो सके और लोगों को लाभ। चार्जेस की बात हो रही थी, पार्टी का फील किया वो सब के कुछ, जैसे कहीं भी कोई बेहतर चीज़ है तो उसको उसका मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। यदि आप शहर को खूबसूरत चाहते हैं या किसी इलाके को खूबसूरत चाहते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। अब रही शुल्क की बात, तो हम देख लेते हैं कि उस मेंटेनेंस कॉस्ट को क्या एजेंसी बियर कर सकती है कि नहीं, नहीं बियर करेगी फिर हम लोग उसे निकाल देंगे। भागलपुर की सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ गंगा घाट, मुक्ति धाम का डीएम नवलकिशोर चौधरी ने सोमवार की शाम निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नमामि गंगे घाट, मुक्ति धाम एवं अजगैबीनाथ धाम का जायजा लेते हुए डीएम नवलकिशोर चौधरी ने बताया कि अजगैबीनाथ धाम एक धार्मिक स्थल है, यहाँ भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती है। उत्तरवाहिनी गंगा होने कारण श्रावणी में देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों शिव भक्त आते हैं, उसी को लेकर इस धार्मिक स्थल को विकास कैसे किया जा सकता है इसको लेकर आज निरीक्षण का जायजा लिया। यहाँ के लोगों का जो भी सुझाव होगा उसका प्रपोजल जल्द सभी विभागों को भेजा जाएगा ताकि इस स्थल को और भी अच्छे तरीके से बेहतर बना सके। श्रावणी मेला को लेकर उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला में यहाँ काफी भीड़ होती है, लोग पैदल आते हैं और डंडी में भी जाते हैं। इसको लेकर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इस वजह से किस रूट को डेवलप करें, कितने प्लेस को डेवलप करें, सड़क और घाट को मजबूत करने की तैयारी की जाएगी, इसके लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। मौके पर SDM धनंजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल कुमार चंद्र यादव, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, थानाध्यक्ष प्रंजन, BDO मनोज कुमार मुर्मू, भाजपा नेता नवीन कुमार बन्नी सहित अन्य विभाग के लोग मौजूद थे। क्या दिशा निर्देश दिए गए? सुल्तानगंज एक काफ़ी धार्मिक स्थल है जहाँ जहाँ पे लोग भोले बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए और जलार्पण के लिए जल ग्रहण करते हैं और जल लेते हैं। यहाँ से इस स्थान का विकास और बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है इसी के बाबत हम लोगों ने निरीक्षण किया है और देखते हैं लोगों का जो सुझाव होगा उस आलोक में फिर प्रपोजल बना करके हम लोग विभिन्न विभागों को भेजेंगे ताकि इस स्थल को और भी। श्रावणी मेला को लेकर सर क्या विजन तैयार किया जा रहा है? श्रावणी मेला में लाखों की संख्या में भीड़ होती है, काफ़ी संख्या में लोग पैदल आते हैं, दांडी भी करते हैं, उसको लेकर के हम देखें कि श्रद्धालुओं को कहीं कोई असुविधा नहीं है, इसी वजह से किस रूट को हम लोग डेवलप करें, कितना प्लेस डेवलप करें, यदि कहीं कोई प्लेस एक्वायर करने की ज़रूरत है, किसी को लीज करने की ज़रूरत है और घाट विकसित करने की ज़रूरत है या और सड़क को मजबूत करने की ज़रूरत है, इसी संबंध में हम लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। सर अमूमन ये देखा जाता है कि जो कांवरिया जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से सब वाहन भी आते हैं, जिससे कि आस्था पर सर एक थोड़ा सवालिया निशान खड़ा था, उसको लेकर के सर रास्ता वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए? अभी हम लोग विचार कर रहे हैं और जो यहाँ के जहाँ जो यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं विभिन्न दलों के उनसे भी हम बात करेंगे, साथ ही नगर परिषद के भी प्रतिनिधि से बात करेंगे, उसके बाद अंतिम निर्णय लेकर। सर नमामि गंगे घाट का विस्तार होगा उस बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। मुक्ति धाम के लिए सर? मुक्ति धाम को भी यदि शिफ्ट करने की ज़रूरत हुई तो लोगों के सहमति से हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे ताकि घाट का विस्तार कर सकें और मुक्ति धाम को भी अच्छी तरीके से हम लोग पेश कर सकें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है
जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। हाइजीन एजुकेशन स्वच्छता प्रशिक्षण को लेकर अर्श फाउंडेशन के द्वारा कई स्कूलों में कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा पंचम तक के बच्चों को स्वच्छ रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से हाइजीन को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरह हम स्वच्छ रहें, किस तरह हम अपने हाथों को स्वच्छ रखें, किस तरह हम खुद स्वच्छ रहकर दूसरों को स्वच्छ रखें, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके लिए 15 सप्ताह का बच्चों को विशेष कोर्स भी कराया गया है, जिसमें आज 5 बच्चों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली के राजभवन पथ पर भागलपुर की 16 बेटियों ने झिझिया नृत्य का शानदार प्रदर्शन किया, उन बच्चों को भी आज संस्थान ने पुरस्कृत किया। आज का प्रोग्राम बहुत ही कहते हैं कि बहुत सारे मैसेज के साथ साथ और हमारे बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम और फाउंडेशन के द्वारा रखा गया गया कि उस फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह का कार्यक्रम हम चाहते हैं कि और भी एनजीओ सामने आवें और हमारे बच्चे को अच्छे कार्यों के लिए और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी जो है परंपरा को चालू करने के लिए एक पहल करें, जिसमें से कि हम लोग वास मटेरियल देते हैं, बच्चों को बुक देते हैं, किताब देते हैं, नोट्स देते हैं, साबुन देते हैं और पूरी तरह से हाइजीन पे एक काम होता है। 15 सप्ताह का क्लास है और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बाल्यावस्था ही बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, जो निरंतर उसके व्यवहार में आज के अब बच्चे ही हमारा दूध का काम करता है, जो समाज को परिवार को, परिवार से समाज तक हमारा कार्यक्रम को बेहद फायदा है। यह जो आयोजन अभी हुआ है तो बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ प्लान इंडिया और ये जो अर्श फाउंडेशन के द्वारा और शहर के सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है 5 बच्चियों को जो सम्मानित किया गया स्वच्छता के रूप में, जैसे हैंड हाइजीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है और यह फाउंडेशन जो है प्लान इंडिया के तहत ये लोग टीचर्स को पहले जो है शिक्षित करते हैं और फिर बच्चे लोगों को शिक्षित करते हैं और हाथ की सफाई का कितना महत्व है ये हम लोगों ने कोरोना के समय समझा और आज के दिन भी हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और सबसे बहुत अच्छी पहल ये है कि बच्चे जो हैं आज कल के भविष्य हैं, जो कहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चे और बच्चियां अगर सीख लेंगे तो वही आगे बढ़ कर के उसी तरह का अनुशासन करेंगे, वैसा ही स्वच्छता रखेंगे, तो हैंड हाइजीन स्वस्थ रहने के लिए बहुत बड़ी जो है बात है। बहुत भागलपुर के मुंदीचक में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जिस समय एक पुराना मकान भरभरा कर जमीन दोज हो गया। लोगों को कई आशंकाएं होने लगी, आखिर यह मकान गिरा तो कैसे गिरा। मामला भागलपुर के मुंदीचक वैष्णो दरबार के पास का है, जहां पुराना मकान अचानक गिर जाने से आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इस पुराने मकान के गिरने से किसी तरह का कोई हताहत होने की बात सामने नहीं आई है, फिलहाल माहौल शांत है। बताया जा रहा है यह मकान काफी पुराना था, मकान किशोरी शाह का है। वहीं घटना के समय 2 बच्चे बाल बाल बच गए। भागलपुर में बीएसएनएल कर्मी अपनी मांगों को लेकर एकजुट दिखे। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी 3rd BRC मांग को लेकर देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजेंगे, जिसमें साफ तौर पर हम लोग अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर भागलपुर की बीएसएनएल कार्यालय के सामने 16 फरवरी को आंदोलन करेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंच सके। वहीं आक्रोशित रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मियों ने कहा कि हम लोगों को हमारे वेतन का कुछ भाग 2017-18 से अभी तक नहीं मिला है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में दर्जनों रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मी भी मौजूद थे।